हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अय्यूब सिर्वी। दोस्तों, आज हमने एक अलमारी और किचन की तैयार की है। अलमारी का जो हमने तैयार किया है वो प्लाईवुड फुल लेमिनेट्स में तैयार किया है, और हमने जो दो छत्ती तैयार की है वो मरंडी फ्रेम में तैयार किया है, जो कि जो अपने कमरे का जो साइज है वो 10x10 का साइज है, और जो हमारे अलमारी का जो साइज है वो है 7x3 का, और जो दो छत्ती का साइज है वो है 10x2.5 का। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रंट साइड में, यहाँ पर हमने वुडन कलर की हाइग्रो सनमाइका लगाई है। साथ साथ हमने यहाँ पर जो हैंडल का जो प्रयोग किया है वो 12 इंच का हैंडल का प्रयोग किया है। साथ साथ एक ताला लगाया है, और साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इसमें नॉर्मल कब्जे लगाई है, जो कि हमने यहाँ पर ग्रुप देकर, ग्रुप जो हमने दिया है वो रिकॉन मार्जिन का 22 mm का पट्टी लगाकर उसका ग्रुप दिया है। अब हम अंदर की साइड आपको खोलकर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने एक खूंटी लगा रखी जो कि 2 पिन में है। साथ साथ हम कहते हैं दूसरे पल्ले के बारे में, यहाँ पर हमने एक मिरर लगाना जो कि अभी नहीं लगा है। यहाँ पर ऊपर की साइड में 12 इंच की है चटकनी की टावर बोर्ड, और नीचे की साइड में यहाँ पर देख रहे हैं 8 इंच की चटकनी, और इसके साथ यहाँ पर हमने 45 इंच का मार्जिन लगा रखा है, जो कि हमारी जो जोड़ी बंद होती है अलमारी की वो उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा। एक तरह से ही कह लीजिए कि ऊपर तले पल्ले चढ़ रहे हैं हमारे। अब करते हैं अंदर की साइड वाले बात। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक बड़ा सारा सेल खन्ना बना रखा है स्टोरेज। यहाँ पर इसमें जो उसका साइज रखा है वो 18 इंच का साइज रख रखा है। इस तरह से यहाँ पर अगर हम अपने जहाँ पर हम अपने कपड़े टांगने होंगे उस पर हम साइज की बात करें, यहाँ पर हमने 34 इंच का साइज रख रखा है। इस तरह से यहाँ पर हमने एक पाइप लगा रखा है 1 इंच का, जो कि यहाँ पर गैप छोड़ रखा है वो 3 इंच का गैप छोड़ रखा है। बैक साइड में यहाँ पर हमने एक खूंटी लगा रखी है, जो कि हमारी जो खूंटी हैगी वो 8 हुक में हैगी इस तरह से। और यहाँ पर आप देख रहे हमने यहाँ पर एक दराज बना रखा है। दराज के ऊपर से जो साइज रहेगा वो 18 इंच रहेगा, और अगर हम अपने दराज की बात करें वो 15 इंच का साइज है। इस तरह से यहाँ पर जो दराज का जो साइज दिया गया है वो 7 इंच का साइज दिया गया है। इस तरह से मैं आपको खुलकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने जो गहराई रख रखी है वो 6 इंच की गहराई रख रखी है। इस तरह से यहाँ पर एक लोग लगा है सिंगल चार का, और एक हैंडल लगा रखा है 4 इंच का। इसको करते हैं बंद। यहाँ पर हमने दो सिलेक्ट दे रखे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ये हमारा जो साइज बनता है 14 इंची ऊंचाई का साइज बनता है। इस तरह से यहाँ पर हमने अपने एक खन्ने को दो जगह डिवाइड कर रखा है, और नीचे का खन्ना ओपन कर रखा है। इस तरह से हमारे जो पल्लो का जो साइज बनता है 17 इंच, और आपका जो साइज बनता है इसमें यहाँ पर लगभग 80 इंच का साइज बनता है। मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने नॉर्मल कब्जे लगा रखे हैं। ग्रुप देकर यहाँ पर आपको देखने दिख रहा होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर मार्जिन लगा रखा है। इस तरह से यहाँ पर जो पूरे पल्ले में कब्जे लगाए गए हैं वो 4 कब्जे लगाए गए हैं। ऊपर की साइड में एक मैग्नेट कैचर लगा हुआ है, और एक हमने यहाँ पर टोक लगा रखी है। इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पाइप आ गया, यहाँ पर अपने जो खुंटी आ गई, ये अपना ड्रावर आ गया, यहाँ पर हमारा स्लेप आ गया, एक खुला स्लेप है, और इस तरह से नीचे की साइड में यहाँ पर हमने एक कैचर लगा रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं ऊपर की साइड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारी दो छत्ती इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं आपको खोलकर दिखा देता हूँ। और खास बात दोस्तों ये है कि हमने जो अपनी अलमारी बना रखी है वो हमने चारों साइड सनमाइके लगा रखी है, बैक साइड में, बराबर साइड में, जिससे कि हमारी जो पूरी अलमारी होगी वाटर प्रूफ और दिमाग प्रूफ होगी। इस तरह से तैयार किया गया है, और अलमारी करते हैं बंद। ये हमारी अलमारी लॉक होगी। अब मैं आपको ऊपर की साइड पल्ले खोलकर दिखा देता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं हमने जो अपने ऊपर की अलमारी तैयार की है वो फ्रेम में तैयार की है। इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों साइड समय का लगा रखी है, और यहाँ पर हमने ऊपर के साइड में यहाँ पर 6 इंच के हैंडल लगा रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हैंडल का जो कलर है ब्लैक और गोल्ड रोज कलर रहेगा। अब चलते हैं दूसरी साइड, और मैं आपको दूसरी साइड के पल्ले खोलकर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने इसी प्रकार काम किया है। इस तरह से जो हमने साइज रखा है घर वो 3 फुट रखा है, और जो पीस के खंडे में जो साइज रखा है वो 4 फुट का रखा है। इस तरह से मैं भी आपको खोलकर दिखा दूं। राइट साइड पल्ले ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने इसी अनुसार काम किया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको
अपनी तीनों जोड़ी खोलकर दिखाई, लेफ्ट और राइट जो उन दोनों का साइज है वो 3 फुट का साइज है, यानी कि 2.5 फुट का। और इस तरह से जो भी सेंटर का हमने जो साइज रखा है थोड़ा और उसके चौड़ाई ज्यादा रखी, इस तरह से हमने जो साइज रखा है 4 फुट और 2.5 फुट रखा है। दोस्तों जिसका मैंने आपको अलमारी के अंदर पूरी पूरी जानकारी दी, इस तरह से हमारी जो बॉक्स वाली अलमारी होती है उसका जो मैंने गहराई का साइज रख रखा था 24 इंच का साइज रख रखा है। इस तरह से जो हमारा टोटल खर्चा आता है इसमें, यानी कि 1000 फुट के हिसाब से वो 1000 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से खर्चा आता है। इस तरह से हमारी जो अलमारी का जो खर्चा 1000 रुपए खर्चा। और हम अगर ऊपर की साइड के बारे में बात करें, इस तरह से जो इसमें खर्चा वो 500 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से खर्चा आया। दोस्तों ये छोटी जानकारी मैंने आपको, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ही मजा आएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।